हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे imchhattisgarh.com डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी में। ठीक है, तो आज वही चीज़ लेकर आया हूँ जो आप लोग बहुत देर से हमको परेशान किए थे कि सर इसका जल्दी वीडियो कब लेके आओगे, है ना। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नॉर्मल रिटेल वाले हैं, कुछ लोग हैं नॉर्मल सिंगल यूज़र हैं, कुछ लोग जो है रिसेलर वाले भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लेके आ चुके हैं गूगल रेटिंग रिव्यूज़, ठीक है, बाय imchhattisgarh.com। ठीक है, हमारा वेबसाइट है, आप इसको चेक करते रहिएगा। अभी वैसे मेंटेनेंस मोड में चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गया था। ठीक है, तो आज हम आपको यहाँ पे यही बताने वाले हैं कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर आई ठीक है इंक्रीज कैसे, अगर आपका पर्सनल बिजनेस है, पर्सनल कुछ दुकान वगैरह है, होटल रेस्टोरेंट जो भी है, स्कूल है, उसका आप गूगल रेटिंग में, मतलब गूगल रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका रिव्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, उससे पहले अगर हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं तो चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं। हमारा जो है imchhattisgarh.com के नाम से हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना। अपने बिजनेस को बढ़ाइए हमारे साथ। पेपर, टीवी, अखबार में प्रचार करने का जमाना गया, नाम आपका प्रचार हमारा। ठीक है, हमारी सर्विसेज आप देख लीजिए, हमारी सर्विसेज है बल्क SMS सर्विस, बल्क व्हाट्सएप SMS, बल्क वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर, मिस कॉल रीडिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट है SEO, PPC, SMM, ईमेल मार्केटिंग, ORM, ग्राफिक डिजाइन, गूगल मैप एड कैंपेन, गूगल एड कैंपेन, यूट्यूब एड कैंपेन, फेसबुक एड कैंपेन, इंस्टाग्राम एड कैंपेन, बिंग एड कैंपेन, लिंक्डइन मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस कार्ड, यूट्यूब चैनल, फुल मोनेटाइजेशन, ऑल लाइक फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर गेनर, रियल फॉलोअर्स चाहिए, फेक फॉलोअर्स दोनों मिल जाएगा, वीडियो क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल फर्स्ट पेज रैंक, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, हमारे पास अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, हम आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए आपके अलावा आपके फील्ड में किसी और का प्रचार नहीं करेंगे। एड्रेस है हमारा, अगर आप हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं आ सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इसमें अभी डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कीजिएगा, अभी आपका कॉल यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बारे में थोड़ा सा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है, हमको लाइक और सब्सक्राइब से मतलब है। ठीक है, तो ठीक है फिर, तो ये गूगल रेटिंग में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसको आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये हमारा गूगल मैप है। ठीक है, गूगल मैप है, यहाँ पे सबका होता है कुछ ना कुछ बिजनेस। जैसे मैंने आपको पिछले भी बताया था पहले कि जैसे स्कूल है हमारा, जैसे हमारे शहर में स्कूल है, तो मैं अगर कोई लिखता है स्कूल इन राजनांदगांव, तो यहाँ पे कितने सारे स्कूल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इन सबको रेटिंग मिला हुआ है 4.0 रेटिंग, है ना, यानी कि 5-star रेटिंग होना चाहिए, है ना, लेकिन 4. मतलब कुछ कमी होगा इसमें, ऐसा मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, युगांतर स्कूल है 4.3 रेटिंग है इसका, इसमें 135 रेटिंग है, 4.3 star है। ठीक है, रेटिंग वगैरह इन लोग का जो है कम होते रहता है। ठीक है, अच्छा आप देखिए वेस्टलैंड स्कूल है, इसके 37 रेटिंग है इसका, 3.7 जो है इसका रेटिंग है। ठीक है, और देखते हैं 4.1 रेटिंग है इसका, 30 है। ठीक है, तो इस रेटिंग को हम बढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, इस रेटिंग को आपके लिए बढ़ाएंगे, अगर आप रीसेलर है तो आप किसी और को भी जो है सर्विस हमारा सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गूगल मैप का जो रेटिंग जो है रिव्यू, उसको बढ़ाने का जो है फ़ायदा क्या है, देखिए तो रैंक योर बिजनेस हायर। ठीक है, आपका कुछ भी बिजनेस है उसमें रेटिंग अच्छा होगा, रिव्यू अच्छा होगा, तो वो सबसे टॉप में वो बिजनेस जो है रैंक करता है। ठीक है, उससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं तो कुछ भी खरीदता हूँ तो मैं अमेजोन पे जाऊँ, फ्लिपकार्ट पे जाऊँ, सबसे पहले रेटिंग चेक करता हूँ, उसका बाकायदा कमेंट देखता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि खराब प्रोडक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं ना कमेंट में कि मैं मोबाइल मंगवाया, उस मोबाइल में टूटा फूटा मोबाइल आ गया, ईयरफोन टूटा हुआ है, तो मैं रेटिंग देखता हूँ कि ये सेलर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, कुछ सामान दे रहा है तो, है ना, उसको एक्सचेंज करता है कि नहीं करता, पूरा बाकायदा वहाँ पर रेटिंग होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए कंज्यूमर डिसाइडेड द प्रोडक्ट क्वालिटी फ्रॉम यू। अच्छा, रेटिंग से क्या होता है, अगर आपका मान के चलिए कुछ कोचिंग वगैरह है ना, आप कुछ बेचते हैं, मान लीजिए कुछ केक बेच रहे हैं ना, तो अगर रेटिंग आपका मान लीजिए 3-star है, 2-star है, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो देखेंगे भाई इसका रेटिंग इतना कम क्यों है। तो जब आपकी रेटिंग को उन लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर लिखा होगा साफ साफ कि अरे इसका केक खाया, मेरा तबीयत खराब हो गया, है ना, अरे इसका ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है ना, तो लोग आपके दुकान में जाएंगे ही नहीं। मतलब समझिए रेटिंग पढ़ के
शहर वाले लोग तो रेटिंग ही पढ़ते हैं सीधे सीधे, अब गाँव वाले उतना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं ठीक ठाक यूज़ करते हैं वो लोग बाकायदा जो है कुछ भी चीज़ें गूगल में सर्च करते हैं, स्कूल दुकान हॉस्पिटल, तो रेटिंग वो लोग जरूर पढ़ते हैं ठीक है। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्स्ट टाइम द विजिटर अवॉइड टू टेक सर्विसेज विथ लो रैंकिंग बिजनेस, बताया ना पहली बार अगर मेरे जैसा आदमी है ना तो पहली बार कोई भी विजिटर हो अगर आपका रेटिंग कम होगा ना तो पहली बार में ही जाने से मना कर देगा, जाएगा ही नहीं ठीक है। उसके बाद से देखिए फिफ्थ पॉइंट है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ कंज्यूमर्स रीड गूगल रिव्यूज बिफोर विजिटिंग बिजनेस ठीक है। तो देखिए ये कोई 95% ऐसे ही कोई नहीं लिखा है मैंने है ना, ये जो है गूगल जो है उसका सर्वे है ठीक है, गूगल जो मैप है हमारा जो गूगल है उसका ये रिव्यू है, मतलब वो है कि जो लोग ये सब यूज़ करते हैं अब गांव वालों जो है इसका बात हल ही दीजिए, जो मेन शहर के लोग हैं या फिर जो गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं अच्छा खासा है ना, उसमें से 95% लोग जो है गूगल रिव्यू पढ़ने के बाद ही जो है बिजनेस को विजिट करते हैं ठीक है। उसके बाद देखिए पीपल आर यूजिंग रिव्यूज टू मेक डिसीजन ऑन व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू परचेज ठीक है, मतलब रिव्यू के हिसाब से जाने से, जैसे मैंने बताया अमेजोन फ्लिपकार्ट में जाता हूँ मैं तो मैं रिव्यू के हिसाब से खरीदता हूँ है ना, कौन सा अब देखना है ना फ्लिपकार्ट एसओड आता है ना उस पर प्रोडक्ट के आपने ऐसे टिक होता है, मतलब फ्लिपकार्ट भी गारंटी देता है कि आप उसको खरीद सकते हैं ठीक है। सातवां पॉइंट देखेंगे, गूगल रिवील दैट 89% ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट ऑनलाइन रिव्यू एज मच इज पर्सनल रिकमेंडेशन ठीक है, तो गूगल ने भी ये बात बताया है कि जो 89% ग्राहक है ना वो लोग कोई पर्सनली बताए उससे ज़्यादा ना वो लोग गूगल में रिव्यू देख के मान लेते हैं, देखिए क्योंकि एक एक साइकोलॉजिकल बोलिए या फिर एक नेचुरल फिनोमेना बोलिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ करवाना हो कुछ भी चीज़ आप करके देख लीजिए, अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, कहीं कुछ करना हो, कहीं ज़मीन खरीदना हो है ना, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको 100 लोग से पूछिए आप है ना, 100 लोग में से जितने जैसे मान लीजिए 70 लोग बोल रहे हैं हाँ 30 लोग बोल रहे हैं नहीं, तो आपको 70 लोग के साथ जाना चाहिए तो वो आपका जो डिसीजन है बिल्कुल 100% सही हुआ, मतलब एक एवरेज ऑफ जो लोग क्या कह रहे हैं तो वो बातें हमेशा ही सच होती है, गलत होती नहीं है, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कहीं देख लीजिए। तो गूगल रिव्यू में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे 500 लोग 600 लोग मिलकर रिव्यू देते हैं तो उस रिव्यू को रेटिंग में बांट दिया जाता है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो और वो जो रिव्यू होता है ना बिल्कुल सही होता है, इसका दुकान घटिया है मतलब घटिया है, इसका कोचिंग बेकार है मतलब बेकार है, उसका जो फर्क है ना इसमें पड़ता है समझ गए। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिसर्च शोज दैट 72% ऑफ कस्टमर विल टेक एक्शन ओनली आफ्टर रीडिंग अ पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू, ये भी रिसर्च किया गया है, ये तो ऊपर का जो मैं बताया ना 90% ना 5% वाला 89% वाला वो गूगल का रिव्यू था, ये अलग से रिसर्च किया गया है कि लोग किसी वेबसाइट में आते हैं किसी, देखिए मुझे जैसा कुछ कोर्स खरीदना होता है जैसे मैं पहले सब चीज़ें सीख रहा था तो मैं कोर्स खरीदता था, तो मैं कोर्स खरीदने से पहले अपन क्या करते हैं हमेशा है ना पेड कोर्स को सर्च करते हैं फ्री में मिल जाए ठीक है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं पहले ये कुछ भी चीज़ देखता हूँ ना यूट्यूब में मैं खुद सर्च मारता हूँ ये रियल है कि फेक है, आप भी करते होंगे कमेंट में बताइएगा रियल है कि फेक है ना, इसका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, ऐसा तो नहीं कि बस बेच रहा है सामने वाला, उसमें रेटिंग क्या है ना, तो हर प्रोडक्ट का चाहे आप होस्टिंग खरीदो डोमेन खरीदो कुछ भी ऑनलाइन खरीदो ना डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह लोग उसका रिव्यू चेक करते ही करते हैं, तो इसलिए क्या है ये जो है आपका जो है पॉजिटिव रिव्यू होना बहुत जरूरी है ठीक है। कस्टमर आर लाइकली टू स्पेंड 32% मोर ऑन बिजनेस विद एक्सीलेंट 5 स्टार रिव्यू ऑन गूगल, अच्छा देखिए ये भी एक रिसर्च है ना कि 32% जो यूजर्स है ना वो 5 स्टार रेटिंग चेक करता है 5 स्टार 4 स्टार से लेकर 5 स्टार रेटिंग, अगर वो उनको दिख गया तो जो है एकदम तुरंत तैयार हो जाते हैं, मतलब एकदम खरीदना ही चाहिए, जैसे मान के चलिए मान लीजिए आज मुझे कुछ खरीदना है मुझे कुछ सॉफ्टवेयर खरीदना है तो मैं क्या रिसर्च करूँगा पहला ये कहाँ से लूँ यहाँ से लूँ नहीं लूँ कुछ वीडियोस देखूँगा सॉफ्टवेयर ठीक है रेट में सब समझ में आ रहा है ना, अब खरीदना के देख खरीदने वाले बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग क्रैक सॉफ्टवेयर देंगे कुछ लोग डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर देंगे है ना, तो आपको कहाँ से खरीदना है वो आपको खुद देखना है, पैसा देखना है कम, जैसे मैं आपको सस्ता सॉफ्टवेयर देता हूँ है ना मैं क्रैक देता हूँ या फिर आपको रियल सॉफ्टवेयर देता हूँ, देखिए क्रैक इसलिए देते हैं क्योंकि उसका फिर रेट कम होता है सीधा सीधा है ना, तो यहाँ पे जो है यूजर जो है बाकायदा चेक करता है ना, और कहीं इसको 5 स्टार रेटिंग दिख गया 4 स्टार रेटिंग दिख गया है ना, अरे आप हम जो लोग प्ले स्टोर में जाते हैं वहाँ भी तो रेटिंग देख के इन्हें ऐप डाउनलोड करते हैं ना एंड्रॉयड ऐप्स समझ गया, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है ठीक है, तो यूज़र लोग जो है 5 स्टार रेटिंग देख लेते हैं 4 स्टार रेटिंग ना तुरंत के तुरंत सामान को खरीदते हैं, तो इसलिए जो है चाहे स्कूल है कुछ भी हो एडमिशन तुरंत के तुरंत लेते हैं, तो ये जो है
फाइव स्टार रेटिंग एकदम आदमी का मन मना देता है कि पापा मुझे ना लैपटॉप इसी दुकान से खरीदना है, मुझे इसी कंप्यूटर की दुकान से खरीदना है, समझ गया। एक बार वो दिमाग में दुकान का नाम घूमने लगता है ना, तो जब तक आदमी उस दुकान को जाकर देखता नहीं है, प्रोडक्ट को जाकर देखता नहीं, तब तक उसका ना दिमाग वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू ऑल्सो चेक द रेटिंग ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट बिफोर बाइंग एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप भी अमेजोन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह से जो भी चीज़ खरीदते हैं तो अभी क्या देखते हो भैया, रेटिंग देखते हो, है ना, मोस्ट रिसेंट रेटिंग देखते हैं कई लोग, मतलब रेटिंग देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात खत्म हो गया। तो बात ये आती है ना, कि जो जो चीज़ मैंने बता दी है भाई, कि ये जो लेना जरूरी क्यों है, आपको रेटिंग वगैरह लेना जरूरी क्यों है, अब आप पूछेंगे या फिर सोच रहे होंगे ना कि ये जो रेटिंग है, आप तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट वगैरह अवेलेबल है ना। तो भैया उनका प्राइस भी समझ जाए ना, प्राइस भी देखोगे तो $1, $1, $10, कोई $3 ले रहा है एक रेटिंग का, ठीक है। और लोग भाई विदेश वाले हैं, सबसे मेन चीज़ देखो ना, वो लोग फॉरेन वाले हैं। अब मान के चलो भाई, फॉरेन का आदमी तुम्हारा दिल्ली का शॉप को अगर रिव्यू देगा तो समझ रहे हो तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, गूगल वाला टक से तुम्हारे बिजनेस को उगा देगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, पहला चीज़ है ना। तो उसी का बता रहा हूँ मैं कि वाई यू शुड चूज असेंबली, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि वी गिव रेटिंग स्ट्रेटेजिकली पर डे 10 reviews ओनली, ठीक है। हम आपको रिव्यू जो है, रेटिंग जो है, एकदम बढ़िया से एकदम प्लान के साथ देंगे, है ना। सबका एक एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम होता है, फेसबुक का अपना एल्गोरिदम होता है, और क्या बोलना चाहिए, अपना ये इंस्टाग्राम अपना एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो इसका भी एक एल्गोरिदम है आपका ना, इसका एल्गोरिदम क्या है भाई, अभी आपको नीचे और बताऊंगा मैं, है ना। मान के चलिए आप किसी वेबसाइट में जा रहे हो, परचेस कर लिए 100 reviews, चलिए सस्ता भी दे दिया, 100 reviews डालेंगे आप, है ना, अपना कीवर्ड डालेंगे कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर शॉप है राजनांदगांव, मान लीजिए मेरा सिटी है रायपुर, मेरा सिटी है बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन रायपुर, ऐसा कीवर्ड डाल दिए आप, पैसा पे कर दिए, है ना। तो उधर से जो है ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर है वो रिव्यू करना स्टार्ट करेगा, बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन रायपुर, बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन रायपुर, 100 reviews डाल दिया, है ना। रिव्यू कहाँ से आएगा आपको, अमेरिका से आएगा, है ना, इंग्लैंड से आएगा, कहीं विदेश से आएगा। तो उसका क्या होगा, गूगल जो है, जो माई बिजनेस हमारा है, गूगल मैप वाला तुरंत पकड़ लेगा कि भैया ये जो आदमी है फर्जी है, इसके बिजनेस को करो डिलीट। तो आज से आपने जितना भी उसमें रेटिंग कमाया होगा, जितना आपका उसमें फॉलोअर सब्सक्राइबर जो भी होंगे, सब क्या हो जाएंगे, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका ट्रिक यही है जो हमने इसको देखिए, हम तो क्योंकि बहुत दिन से इसमें काम कर रहे थे, है ना, तो कम से कम 1-1.5 साल से मैं इस रेटिंग वाले में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि आपको रिव्यू 10 reviews से ज़्यादा नहीं देंगे। पहले हम आपके में जो ट्रैफिक आता होगा ना आपके इसमें गूगल माई बिजनेस में, उसको हम चेक करेंगे, है ना, और 10 reviews से ज़्यादा हम देंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि 10 reviews से ज़्यादा देंगे तो आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा। आज 10 देंगे, कल 10 देंगे, परसों 10, ऐसा करते करते धीरे धीरे हम आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, वी प्रोवाइड मिक्सचर ऑफ रिव्यू 5-star, 4-star, 3-star, है ना। मान लीजिए कोई बिजनेस को सिर्फ 5-star मिल रहा है, तो गूगल क्या सोचेगा, समझ रही है, ये तो फर्जी है, पक्का फर्जी है, इसके बिजनेस को उड़ा, समझ गए। तो हम आपको 5-star तो देंगे, मतलब फाइनली आपको हम जो रेटिंग है 4 से लेकर 5 star के बीच ही जाएगा, है ना, लेकिन बीच बीच में 3-star भी दे देंगे, है ना, कि इसका इसका दुकान बहुत बेकार है, मत जाना, समझ रहे इस बात को। तो ऐसा जो है मिक्सचर होना चाहिए, 5-star, 4-star, 3-star, नहीं तो क्या होगा, आपका जो है जो बिजनेस जो है सामने वाले का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम आपको देखिए लोकेशन के हिसाब से भी देंगे, है ना, अगर आप रायपुर में हैं, रायपुर सिटी, भिलाई, छत्तीसगढ़, है ना, जिस जिले से हैं उस जिले के हिसाब से आपको लोकेशन जाएगा, है ना। आपका दुकान यहाँ पे है तो आपको जो है वो जो चीज़ है वहीं से जाएगा, रेटिंग वहीं से जाएगा इस चीज़। तो मतलब गूगल को ये सब नॉर्मल लगेगा भाई, एकदम समझ रहे हो कि रेटिंग एकदम नॉर्मल है, ये दुकान में आदमी गया था बकायदा, ठीक है। कस्टमर बेस्ड ऑन जेंडर, अच्छा ये देखिए, है ना, इसको भी जो है सॉफ्टवेयर, देखिए अब बॉट जो होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो कितना ही समझ लेगा, है ना। तो अब मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर है ना, मतलब ब्यूटी पार्लर है गर्ल्स लोग का जो ब्यूटी पार्लर होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे सॉफ्टवेयर अगर आदमी लोग है ना, मेंस लोग अगर वहाँ पे रेटिंग देने लगे, तो भाई गूगल वाला इंसानों से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल है, यूट्यूब है ना। तो आप समझिए, है ना भाई, जहाँ फीमेल का काम है वहाँ मेल का रेटिंग कहाँ से आएगा, है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि अपनी वाइफ के साथ गया था ब्यूटी पार्लर में, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रेटिंग हम यहाँ पे देंगे वो कैसा देंगे, हम आपको एकदम जेंडर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से मिक्सचर देंगे, पर डे 10 reviews देंगे,
ठीक है। अच्छा फिफ्थ पॉइंट क्या है, कीवर्ड रिव्यू विदाउट स्टफिंग। अच्छा जैसे मान लीजिए कंप्यूटर शॉप है हमारा, राजनांदगांव सिटी है कंप्यूटर शॉप है ना, मान लीजिए मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन राजनांदगांव, मैं एक रिव्यू डाला, फिर मैंने दूसरे से भी वही रिव्यू डालवाया, तीसरे से भी वही रिव्यू, मतलब सब लोग से वही रिव्यू डालवाऊंगा है ना, तो क्या होगा इसमें भी गूगल डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग कीवर्ड तो डालेंगे आपका कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप है आपका राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसमें हम स्टफिंग नहीं करेंगे, मतलब बेस्ट कंप्यूटर शॉप के साथ है ना उसमें हम थोड़ा सा एक स्टोरी बना देंगे है ना कि हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ गया था और मैंने कंप्यूटर खरीदा है ना, ये दुकान बहुत अच्छा है भाई, मतलब कीवर्ड उसमें रहेगा आपका, लेकिन हम थोड़ा सा मिक्सचर करते जाएंगे कीवर्ड्स का, मिक्सचर सेम कीवर्ड नहीं आएगा, इससे भी क्या होता है गूगल जो है बैन कर देता है। लेकिन अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे, दूसरे सेलर्स के पास जाएंगे, तो वो आपको जो है ऐसा फैसिलिटी नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एज ऑफ जीमेल अकाउंट, ठीक है। अच्छा वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसमें आप जहाँ से खरीदेंगे, जो फॉरेन वाले लोग बेच रहे हैं आपको, सेलर्स लोग बेच रहे हैं है ना, यूएसए वाले जो कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से अगर आप लेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है ना ईमेल अकाउंट तुरंत क्रिएट होता है, ये इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो लोग तुरंत ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसी ईमेल अकाउंट से आपको रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या है गूगल वाला जो है समझ जाएगा। देखिए गूगल जो रेटिंग किस अकाउंट से लेता है मालूम, मतलब असली रेटिंग, मान लीजिए मेरा पर्सनल मोबाइल है, मैं 10 साल से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं अपना ईमेल अकाउंट बनाया था जब मैं क्लास 8 में था, क्लास 8 में मैं था 2012 में, कीपैड वाला मोबाइल होता था उसमें लोग नेटवर्क यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब नहीं पता हम लोग कैसे नेटवर्क यूज़ करते थे, ठीक है, रिचार्ज ही करवाते थे, टाटा डोकोमो का सिम था उस समय, ठीक है। तो उस समय से मैं जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ आज तक, मतलब यूज़ कर रहा हूँ 10-12 साल हो गए आगे मान के चलिए है ना, तो मतलब मेरा जीमेल अकाउंट बहुत पुराना है, मैंने उससे कितने यूट्यूब चैनल बनाए, कितने ईमेल अकाउंट बन, मतलब ईमेल तो ही है ना, प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड किया, लोकेशन वगैरह किया, इधर उधर रेटिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ किया मैं, तो मेरे अकाउंट जो है पुराना है। ऐसे ही हम जो आपको रेटिंग देंगे ना वो जो ईमेल अकाउंट है 1-2 साल पुराना ही रहेगा, ठीक है, पुराना ही रहेगा, उसको जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं वैसा रेटिंग रहेंगे, ठीक है। अच्छा सातवां पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक विजिट वर्सेस नंबर ऑफ रिव्यूज़। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए आपने आज ही अपना गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाया, आपने अपना दुकान डाला, ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया, और आज ही आपको कोई 100 रिव्यू दे दे तो आपका जो है बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 100 रिव्यू दे दे तो आपका जो गूगल अकाउंट जो है वो सीधा जो है बैन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कितने आपके उसमें ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक अगर नहीं आया तो पहले हम ट्रैफिक लाएंगे, ठीक है, फिर उसके इस हिसाब से रिव्यू देंगे। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैफिक नहीं आ देख, मतलब उसमें नॉर्मल ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट उसको रिव्यू दे रहे हैं, तो ये जो है गलत बात है, इसको हम लोग जो है ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, ठीक है। अच्छा ये देखिए आठवां जो पॉइंट है ये आपको करना होगा, अगर हमसे सर्विस भले रहे लेकिन ये जो पॉइंट है आपको करना पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी टू मैसेज टू यूजर्स फ्रॉम योर साइड। मतलब कोई बंदा जो है मैसेज कर रहा है ना कि भैया आपका सर आपका कंप्यूटर का दुकान बहुत अच्छा था है ना, मैंने परचेज किया, तो आपको उधर से रिप्लाई देना है थैंक यू सर, थैंक यू मैसेज, ये आपके मोबाइल में ऐप में जो है इसका वो रिव्यू जाएगा, समझ गए, तो उधर से आपको जो है मैसेज करना है, ये आपका काम है ना, क्योंकि ये आपके मोबाइल में रहेगा तो आप ही करोगे ना सीधा सीधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट खत्म, जिसको जिसको लेना है हमको नीचे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वेबसाइट वगैरह हमारा दिख जाएगा। तो देखिए इसका प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना, मैं 4-5 मिनट बोला था ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो काम का है, लंबा हो चाहे जैसा भी हो, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल दुकान है, कंप्यूटर शॉप है, कोचिंग है, स्कूल है ना, कॉलेज है ना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, 39 रुपीज़ है रिटेलर्स के लिए, नॉर्मल रिटेल वाले जो है ना, मतलब रिटेल कहने का मतलब है जिन सिंगल जो लोग हैं, सिंगल है ना, जो सिंगल जो जिसका खुद का बिजनेस है दुकान है उसके लिए, ठीक है, तो उसको 39 रुपीज़ पड़ेगा, एक रेटिंग जो है 39 रुपीज़ का पड़ेगा, हम आपको 100 रेटिंग आपको एक साथ परचेज करना पड़ेगा, यानी 3,900, ठीक है। आप नीचे में डिस्काउंट मांग सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको दे देंगे है ना, हिचकिचाइएगा मत, शर्माइएगा मत डिस्काउंट मांगने से, ठीक है। तो 3900 रिव्यू जो है आपको हम देंगे है ना, 3900 लगेगा आपको, एक बार में आपको 100 रेटिंग खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और जो रीसेलर है, जो जिसका खुद का एजेंसी वगैरह है ना, वो अगर इसको रीसेल करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है एक रेटिंग पड़ेगा 29 रुपीज़,
और आपको 350 जो है रेटिंग जो है हमसे खरीदना पड़ेगा, है ना। तो 350 देखिए गड़बड़ हो गया शायद, 39 मल्टीप्लाई बाई, नहीं 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 ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, 29 प्राइसिंग नॉट सही है, ठीक है 10,150, ठीक है। तो अगर आप रीसेलर हैं तो आप आपको जो है ये 350 रेटिंग हम उससे जो है खरीदना पड़ेगा, है ना। देन आप उसको जो है आप 40 में या फिर 50 में आप सेल कर पाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो जिसको भी सेल करेंगे ना आप उसको वीडियो भेजा कीजिएगा, ठीक है। आप भी मत शरमाइएगा रीसेलर भाई लोग, है ना, नीचे में मैसेज कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको थोड़ा सा जो है डिस्काउंट वगैरह जो है देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा, शरमाइएगा मत, नीचे आइएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बढ़िया बढ़िया जो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।